एक ही तरीका है कि जो इसमें आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट के टाइम पे पढ़े लिखे इंसान को इतना पैसा नहीं मिल रहा थी आपकी कुछ ट्रेनिंग हुई थी या फिर डायरेक्ट आ गए थे स्पेस होता है छोटा कर दिया केबिन इसमें है ना ये क्या बात कर दी आपने इतना पैसा मिलता है इस ट्रक भले कुछ भी माइलेज निकले कुछ भी एवरेज निकले आपको भारत बेंज का ट्रक मिल गया ऊपर से DGFC कंपनी मिल गई माइलेज ज्यादा मिलता होगा पावर खाली जब चला मतलब जब ऊपर नीचे करना हो तो सॉफ्ट पे यहाँ पे रखी इसको अवार्ड्स बहुत मिल चुके हैं जैसे पहला बताऊं तो ऑल इंडिया नंबर इसलिए ट्रक नागालैंड नंबर पे ज्यादातर आपने देखोगे एनएल दीप भाई इसमें तो कुछ ज्यादा ही तीन तीन डीजल टैंक है इसमें हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव लो भाई भारत बेंज की डिमांड आपकी पूरी बिल्कुल नया 48 28 ये आपने मेरे को कमेंट करा था दो चार बंदों ने 48 28 का वीडियो बनाइए ये इंटेल लिफ्ट 48 28 BS6 है बिल्कुल ट्रक नया ट्रक दिखाएंगे DGFC लॉजिस्टिक ये भारत 6+ इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन बता दूं 7200 cc का इंजन आता है इसमें बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में लेकिन अब इंजन की बात करें पहले 7200 cc का इंजन आता है और यहीं से क्लियर कर दूं मैं आपको 281 HP की इसमें पावर आती है क्योंकि 28 लिखा हुआ है 48000 kg मतलब 47500 kg पूरा इसका ग्रॉस व्हीकल वेट आता है 1100 Nm का टॉर्क है इसमें 35 टन ये पासिंग आता है और बिल्कुल नया ब्रांड न्यू है इसकी प्रोफाइल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है भारत बेंज के ट्रक एक्चुअल में बड़े खूबसूरत लगते हैं और एक जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक इसको देता है वो पता क्या है इसके जो ग्लास है इसमें हल्का सा ब्लैक टच आता है मतलब ब्लैक फिल्म लगाते हैं ना अपन है ये प्रदीप भाई है इनका ट्रक है प्रदीप भाई मोस्ट वेलकम बहुत बहुत स्वागत आपका पूरा कंटेनर पर बना हुआ है ये और आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है DGFC लॉजिस्टिक दिल्ली गुजरात फ्लीट कैरियर इसको बोलते हैं DGFC मैं बता दूँ 60 साल पुरानी कंपनी है और 3000 से ज़्यादा ट्रक इस कंपनी में है बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है मैंने इसके पहले भी इसका वीडियो बनाया हुआ है लेकिन एक चीज़ आपको इसके बारे में बताऊं कि इसको अवार्ड्स बहुत मिल चुके हैं जैसे पहला बताऊं तो ऑल इंडिया नंबर वन ट्रांसपोर्टर होंडा स्कूटर ने इसको अवार्ड दिया है मोस्ट फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टर मारुति सुजुकी ने इसको अवार्ड दिया है उसके बाद ट्रांसपोर्ट रत्न अवार्ड भी मिला इसको AIMT द्वारा उसके बाद बेस्ट ट्रांसपोर्टर अवार्ड 3 साल तक कंटिन्यू मिला मर्सिडीज बेंज ने दिया है और बड़ा खूबसूरत है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 x 16 टायर ट्रक है पूरा कंटेनर में बना हुआ है पहले प्रोफाइल दिखा दूं मैं आपको जैसे यहाँ देखेंगे आप टायर भी कितने नीट एंड क्लीन एंड्यूरेंस के टायर लगे हुए हैं ये इसका डीजल टैंक है 300 लीटर के आसपास इसका डीजल टैंक आता है और ये एक्स्ट्रा डीजल टैंक इसमें लगा है क्योंकि लंबे चलते हैं ट्रक कहीं पर डीजल मिल रहा है कहीं पर नहीं मिल रहा है तो उस तरीके से नागालैंड नंबर पर है क्योंकि वहाँ पर जो फिटनेस वगैरह जो है बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए ट्रक नागालैंड नंबर पर ज़्यादातर आपने देखोगे NL नंबर पर ट्रक होते हैं ये पूरा पैक है इसमें निमरानी में खड़ा हुआ है ये आटे के प्लांट पे आया हुआ आटा लेने स्पेयर व्हील लगा हुआ है पीछे टूल बॉक्स दे रखा है यहाँ पे इसका एड ब्लू टैंक है फिर से डीजल टैंक है कुछ ज़्यादा डीजल टैंक है यहाँ पे बैटरी लगी हुई है प्रदीप भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही तीन तीन डीजल टैंक है इसमें है ना नहीं एक तो ये लगा हुआ है नहीं ये एक डीजल टैंक ये है और इधर अच्छा साइलेंसर है वो अच्छा सॉरी मैंने उसको डीजल टैंक बोल दिया था वो साइलेंसर है डीजल टैंक नहीं है अब मैं आपको एक बार अंदर से दिखाऊं प्रदीप भाई आप नहीं आ रहे हो अंदर प्रदीप भाई का ट्रक अंदर से देखो आप आए हैं इसमें चढ़ना बहुत इजी है बड़ा बैठ जाओ ना प्रदीप भाई यहाँ पे आए हाय हाय सीट नीचे उतर के दिखाऊंगा क्या क्या फंक्शन है इसमें ये प्रेशर सीट है बिल्कुल है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रही है तो प्रेशर सीट है ये इसका स्टेयरिंग देखिए बड़ा एक खूबसूरत स्टेयरिंग 1 2 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है और इसकी MID भी बड़ी खूबसूरत आती है AC मिलता है इन ट्रकों में जाहिर सी बात है तो AC है बैक कैमरा भी मिलता है ये लगा है वो सेंसर ये मतलब जहाँ नींद का झोंका आया वहाँ टी 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 बोल देगा ये बड़ा सेफ्टी फीचर लगता है मुझे इसमें ये क्या है प्रदीप भाई ये LED बैक कैमरा का तो ये अलग से लगाया आपने नहीं साथ में आता है कंपनी से ही अच्छा कंपनी से साथ में ही आता है भाई देखिए बिल्कुल नया नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू BS6 ट्रक है भाई ये कैमरे में मेरे कल थोड़ा सा पानी घुस गया था इसलिए ऐसा लग रहा है आओ ना प्रदीप भाई यार अंदर वही तो फाइल दे रहा हूँ अच्छा फाइल दे रहे हैं ये क्या म्यूजिक सिस्टम दे रखा है कंपनी द्वारा ही कंपनी द्वारा म्यूजिक सिस्टम है यहाँ स्टोरेज है वो बिल्कुल कंपनी कैबिन में है अरे वाह भाई ने अलग से लगा के रखा है शायद ये कंपनी से आराम से हाथ रखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 गियर्स इसमें आते हैं लेकिन पीछे का जो स्पेस है थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है इसमें क्योंकि थोड़ा सा घुटन टाइप होगा लेकिन घुटन टाइप जब नहीं होगा जब इसको आप आगे कर देंगे तो पूरा आराम से लेट जाएंगे पंखा फिर भी लगा के रखा है पीछे वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है और कुछ भी कहो ये कंपनी केबिन बड़ा खूबसूरत थोड़ा सा लग्जरी आ जाता है भारत बेंज क्योंकि मर्सिडीज बेंज का ही एक रूट है ये और यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक दे रखा है चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर AC के पूरे कंट्रोल्स दे रखे हैं
और बाकी जो फंक्शन से हैवी वगैरह लोड वगैरह जो टाटा में भी सब आते हैं आजकल, तो क्या भी ये सिक्स ट्रक्स में ज़्यादातर फीचर्स आपको देखने को मिल ही जाते हैं। या पावर मोड में चलाना, इको मोड में थोड़ा ज़्यादा माइलेज मिलेगा, पावर मोड में चलाएंगे तो ज़्यादा पावर मिलेगा, उस तरीके से इसमें चीज़ें दे रखी हैं। अब मैं नीचे उतरता हूँ, इसमें से आपको सीट के थोड़े से फंक्शन दिखा देता हूँ। आय हाय, हाँ अरे ये ऑटोमेटिक मार दो, इसको डाउन मार दो, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। अच्छा, कर दोगे एडजस्ट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक ऊपर जा रही है, इससे ऊपर नीचे होते रहे। हाँ बहुत एडजस्ट, हार्ड रखना आ जाए यार, रख लो सॉफ्ट, मतलब जब ऊपर नीचे करना हो तो सॉफ्ट पे यहाँ पे रख लो, हार्ड पे ऊपर नीचे एडजस्ट तो इससे होती है। अच्छा यहाँ पर रखनी है। हाँ ये ऊपर सॉफ्ट, इसमें इसमें है ना, हार्ड और सॉफ्ट दोनों कर सकते हैं, हार्ड हो जाएगी, इसमें सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा इसमें, और वो सिर्फ ऊपर ही नीचे, ये भी ऊपर नीचे, इससे नीचे। अच्छा प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा इससे, है ना, इसको वापस दबा देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। फंक्शन तो काफी अच्छे रहते, मोड भी रहते इसमें इको और पावर, इको में माइलेज ज्यादा मिलता होगा, पावर तो खाली हुआ जब चला लेते हैं, खाली होती जब चलाते इको में, और जो चढ़ाई में पावर में चलाते हैं। आप कब से हो इस लाइन में, ड्राइवर लाइन में प्रदीप भाई? मेरे को 2 साल बस है, तो बिल्कुल नौजवान है आप, तो आपका कैसे मन किया इस फील्ड में आने का? ऐसी चलनी चलती, और कोई काम नहीं करा आपने? नहीं और कुछ नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, क्योंकि 2 ही साल हुए आपको ड्राइवर लाइन में आए हुए और आपको भारत बेंज का ट्रक मिल गया, ऊपर से DGFC कंपनी मिल गई, क्योंकि देखिए कंपनी वाले ट्रक में सुविधाएं बहुत होती हैं, आपको खुद पता है, हैं दादा आरटीओ आरटीओ की झंझट नहीं, परेशानी नहीं है, खाली अपना ट्रक चलाओ, अंडर लोड माल भरो, लंबा चलता है, लंबा रूट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले, ऑल इंडिया पे चलाते हैं तो इसमें तो इतनी आसानी से नौकरी मिलती नहीं है प्रदीप भाई, फिर आपको कैसे? ऐसी मिल जाती है। आपका कोई पहचान वाला चलता था इसमें? रिश्तेदार है, गारंटर लगा है तभी आपको मिला, क्योंकि डायरेक्ट तो मेरे ख्याल से इसमें नौकरी मिलेगी नहीं, नहीं रिश्तेदार है, है ना। क्या पेमेंट वगैरह मिल जाता है आपको? पेमेंट तो 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। अच्छा इसमें किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट रहता है, 5 रुपए किलोमीटर, भले कुछ भी माइलेज निकले, कुछ भी एवरेज निकले, है तो एक दिन में कितना चल जाता होगा आपका ट्रक प्रदीप भाई? ये 500 निकाल देता, 500 किलोमीटर एक दिन में चल जाते हो, क्या बात कर रहे हो, तो 2500 रुपए एक दिन का, क्या बात कर दी आपने, इतना पैसे मिलता है ट्रक में? यार ये तो बहुत सही है, 2500 रुपये, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आपका ये कितना बन रहा है, 75,000 रुपये महीना खड़ी रह जाती है ना वैसे, कुछ खड़ी भी करें, लोडिंग करें, टाइम तो लगता है। अच्छा मतलब डेली अगर 500 किलोमीटर चला दिया तो ड्राइवर से चला दिया तो वैसे हाँ बन जाएगा, है ना, तो आप चलाते तो होंगे ऐसे, लेकिन आप अकेले चलते हो इसमें? अकेले। तो 2 साल आपको आए हुए इस फील्ड में हुआ है खाली, ट्रक चलाना कितने टाइम में सीखा प्रदीप भाई? मैंने 10-15 दिनों में ट्रक चलाना सीख लिया, क्या बात कर रहे हो यार, सीख लिया मैंने। किससे सीखा? ये हरियाणा का यार, उससे, हरियाणा के दोस्त वगैरह। आपके आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा तो 2 साल में कैसा आपका तजुर्बा रहा प्रदीप भाई, थोड़ा बताओ ना। बढ़िया रहा है, तो ट्रक लाइन में आपको लगा कमाई वगैरह है इस लाइन में? बढ़िया पैसा है। तो ड्राइवर लाइन में पैसा है या फिर ट्रक खरीद के चलाने में पैसा है? देखो वो तो लोड मिल जाए, ये तो कंपनी का तो टेंडर ले रखा है। हाँ, ये तो कंपनी देखिए बहुत बड़ी, सिंगल मोटर मालिक को तो लेना पड़ता है ना लोड। हाँ उसको तो ट्रांसपोर्टर से लोड लेना, यहाँ अभी ट्रांसपोर्टर वगैरह का नॉलेज आपको होगा नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट कंपनी का ट्रक चलाया, तो कंपनी बताती होगी कहाँ से टेंडर ले रखा है कंपनी ने, इस कंपनी से लोड लेने को। इस कंपनी में टोटल भारत बेंज के ही ट्रक चलते हैं? मैंने कुछ है 1-2% टाटा लैंड, 1-2% भी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखे पुराने नए सब भारत, खुद की एजेंसी है ना। अच्छा भारत बेंज की खुद की एजेंसी है इनकी, है तो ये भारत बेंज के ट्रक चलाते हैं। क्या माइलेज क्या दे रहा है आपका ट्रक भाई अभी? ये दे रहा है 330 की, 330 की माइलेज दे रहा है। इसका मेंटेनेंस वगैरह सब आपको ही देखना पड़ता है क्या? नहीं, 5 साल की तो उसकी वैसे ही फ्री है, फ्री है कॉस्ट है। अच्छा 5 साल की फ्री है, कोई दिक्कत वगैरह आती नहीं वगैरह। आपने दूसरे ट्रक भी चलाए या सिर्फ भारत बेंज का ही चलाया? मैंने भारत बेंज का चलाया, उसके अलावा कोई नहीं चलाया। कुछ भी कहो लेकिन अंदर एक बड़ा लग्जरी फील आता है इसमें बाकी ट्रक के मुकाबले, आने लग गया पुराने वाली हम तो नहीं है, पुराने वाली में नहीं है, लेकिन फिर भी नए में भी एक कार जैसी फीलिंग आती है इसमें। कोई चलाने में कैसा फील होता है? थकान महसूस नहीं होता बिल्कुल ही, और चलाने में बिल्कुल कार जैसा लगता है, बिल्कुल कार जैसा, ये सब पैसे हिलता रहा ना। तो बोल रहा हूं कि इसका जो कंफर्ट है वो एक अलग ही लेवल का कंफर्ट है, एसी फिर हां बंद में कोई आवाज भी ना आती अंदर, लेकिन ये अंदर से जैसे अगर दूसरे ट्रक से अपन कंपेयर करें जो इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 टायर ट्रक आते हैं, जैसे टाटा वाटा के आते हैं, वो अंदर से थोड़ा सा बड़े होते हैं और ज्यादा उसमें स्पेस होता है, छोटा कर दिया केबिन इसमें, है ना, ये केबिन छोटा करा, पहले बड़ा आता था, शीशा आता था पहले, हाँ केबिन होता था, ये छोटा कर दिया, केबिन थोड़ा छोटा कर दिया, तो क्या है कि 2 इंसान जैसे अगर आप पीछे सोओगे तो आपको घुटन वगैरह नहीं सो जाएगा ना, सिंगल इंसान के लिए है। अच्छा वो वाली जो सीट है आप उसको उधर गिरा देते होंगे तो वो
पीछे आपको जगह मिल जाती होगी। खाना वाना का क्या करते हैं? खाना तो होटल पे ही होता है। होटल पे होता है, बनाते भी नहीं है नहीं। यार ये सही है यार, अगर जैसे कोई और अगर इसमें नौकरी करना चाहे प्रदीप भाई तो कैसे कर सकता है? ऐसी गारंटर चाहिए, कर सकता है। बिना गारंटर के नहीं कर पाएगा, मतलब DGFC ट्रक चलाने वाला बंदा उसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि यार अगर मान लो आप गारंटर चाहिए 50 लाख ही लेके चला है। हाँ वो तो साइड की बात है। गारंटर तो जैसे मान लीजिए आपके गारंटर में आपके जो चाचा थे कौन थे? नहीं हमारा जीजा है। जीजा से गारंटर में आप लग गए तो डायरेक्ट उन्होंने कंपनी में बात कराई थी आपकी, कुछ ट्रेनिंग हुई थी या फिर डायरेक्ट आ गए थे? कंपनी से बात करी थी, वो मेरा जीजा गारंटर है मेरा। अच्छा तो जीजा ने बोला कि आप रख लो, मैं गारंटी लेता हूँ इनकी, तो कंपनी ने रख लिया। जब रखा है। अच्छा तो कुछ डॉक्यूमेंट मांगे होंगे आपसे? डॉक्यूमेंट तो मेरा जीजा ही होगा जब गारंटर होगा। नहीं लाइसेंस वगैरह का? वो तो हैवी लाइसेंस मांगेंगे। मांगते हैं। वाह, इसका कोई ड्रेस कोड वगैरह भी होता है? कोड बनता है। हाँ जी। क्या बनता है? कोड बनता है सब ड्राइवरों का। सब ड्राइवर का कोड बनता है अलग अलग। हाँ। तो उस हिसाब से कोड बन के ऐसे नौकरी मिल सकती है, क्योंकि यार बड़ी सेफ नौकरी है यार आपकी। देखो सैलरी आपकी इतनी ज्यादा है कि कोई झंझट नहीं, ट्रांसपोर्टर की कोई परेशानी नहीं, ना माल लेना ना लोड लेना, बस आपको सुकून से आगे भेजता रहेगा। हाँ बस ट्रक आगे चलो। और आप रोज अगर आपने मतलब मेहनत करके जल्दी ट्रक भर लिया, रोज 500 किलोमीटर चला लिया, तो यार आज के टाइम पे पढ़े लिखे इंसान को इतना पैसा नहीं मिल रहा, 60-70 हज़ार रुपए है। इसलिए आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि सिंगल मोटर मालिक जो मैंने देखा आजकल वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। वो तो परेशान है। वो इसमें एक तो टायर है ना। हाँ। थोड़ा घिस गया, निकाल दो, बड़ी कंपनी है ना। हाँ। तो मेंटेनेंस आप ही देखते हो इसका? नहीं कंपनी में देखते हैं, जाते ही चेक होगी पूरी गाड़ी। अच्छा जरा से भी टायर ऐसे हुए तो? हाँ, टायर को भी चेक होएगा, कितनी हवा है, कितना परसेंट घिस गया। क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और ट्रक बताने के लिए। तो प्रदीप भाई ने पूरा ट्रक भी अपन लोगों को बता दिया भाई। तो भाई ये था हमारा प्रदीप भाई के साथ पूरा वीडियो। इसमें मैंने DGFC के बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया आपको। इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था तो उसमें ड्राइवर भाई ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, 10,000 ट्रक बोल दिए थे। इतने ट्रक तो नहीं है लेकिन 3,000 प्लस ट्रक है इसमें। बाकी एक ही तरीका है कि जो इसमें आप काम कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसमें काम नहीं मिलेगा। तरीका जो है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपका कोई पहचान का होना चाहिए, या फिर आप पहचान निकाल लें, बना लें, कन्विंस कर लें तो है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। बाकी ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।